नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए बिहार के टॉप बड़ी खबरों को जानते हैं। तो सबसे पहली खबर, 5 साल के अंदर 120 शहरों में बनेंगे बाईपास और फ्लाईओवर। जी हां, राज्य के शहरों में यातायात की सुगम बनाने के लिए अगले 5 सालों में 120 बाईपास बनाए जाएंगे। 4154 करोड़ रुपए से बनने वाले 31 बाईपास नेशनल हाईवे पर और बाकी 79 स्टेट हाईवे और अन्य सड़क पर बनाए जाएंगे। इनकी कुल लंबाई 708 किलोमीटर होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को शहरों में यातायात की सुगम बनाने के लिए खास तौर पर पहल करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो एलिवेटेड सड़कें भी बनाई जाएगी। नए केस वाले टॉप 10 राज्यों से बिहार बाहर। जी हां, बिहार अब तक देश में सर्वाधिक नए कोरोना पॉजिटिव वाले राज्यों की सूची से बाहर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को 10 वैसे राज्यों की सूची जारी की है जहां रोज 84% नए केस पाए जा रहे हैं। बिहार में पॉजिटिव की रिकवरी रेट भी 97% से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार केरल में पिछले 24 घंटे में 4600 नए मामले सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 3282, पश्चिम बंगाल में 896, तमिलनाडु में 867, कर्नाटक में 810, यूपी में 737, मध्य प्रदेश में 724 और गुजरात में 715। अब बिहार इस लिस्ट से बाहर हो चुका है। वोटर लिस्ट में 11 तक जुड़वाए नाम। जी हां, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत 16 दिसंबर से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, नाम पते से जुड़े गलतियों ठीक करवाने, दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नाम ट्रांसफर करवाने के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम 11 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान बूथों पर BLO द्वारा दावा और आपत्ति लिए जाएंगे। निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन 15 फरवरी 2021 को होगा। ऐसे में वोटर लिस्ट से जुड़े काम लोग करवा सकते हैं। ये बातें सोमवार को पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में वोटर लिस्ट में संशोधन और सुचारू संपादन को लेकर आयोजित बैठक में कही गई। राज्य में 2 दिन बाद फिर गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। जी हां, हिमालय के तटवर्ती क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर 48 घंटे बाद राज्य में महसूस हो सकता है। इसकी वजह से प्रदेश में एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ सकती है, यह अनुमान IMD पटना ने जारी किया है। वही मंगलवार और बुधवार को पूरे प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। दरअसल बंगाल की खाड़ी और झारखंड के ऊपर बने प्रति चक्रवात के असर से खासतौर पर दक्षिणी बिहार ज़्यादा बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। इसके प्रभाव से प्रदेश में कुछ जगहों पर मध्यम दर्जे का कोहरा भी देखा जा सकता है। इस दौरान तापमान सामान्य से अधिक ही बना रहेगा, खास तौर पर रात में बेचैनी महसूस हो सकती है। पटना में शुरू हुआ महिला बाउंसर का चलन, नगर निगम ने सौंपी अतिक्रमण हटाओ अभियान की जिम्मेदारी। जी हां, महानगरों के बाद पटना में भी महिला बाउंसर का चलन शुरू हो गया है। अब केवल प्राइवेट संस्थान ही नहीं बल्कि पटना नगर निगम भी आउटसोर्स के जरिए इनकी भर्ती कर रहा है। पिछले साल की बात करें तो पटना नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए महिला टास्क फोर्स को लगाया गया था, जिसमें कुल 8 महिला बाउंसर को सेलेक्ट किया गया था। इन महिला बाउंसर की 8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई थी और जहां जहां अतिक्रमण होता था वहां इन्हें तैनात किया जाता था। महिला बाउंसर्स का कहना है कि ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले आउटसोर्स कंपनी की ओर से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 80 प्रधान अध्यापकों का वेतन। जी हां, बिहार में 4 महीने पहले बिजली रहित स्कूलों के विद्युतीकरण के लिए बिहार शिक्षा परियोजना समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत जिले के 145 स्कूलों में 2,21,85,000 रुपये आवंटित किए गए हैं। इन 145 स्कूलों के 1,264 कमरों में विद्युतीकरण कराने के एवज में प्रति विद्यालय 1,53,000 की स्वीकृति दी गई। इस स्वीकृति के खिलाफ हर स्कूल को 76,500 रुपये विद्यालय शिक्षा समिति के अकाउंट में उसी समय भेज दिए गए थे। अब तक 145 स्कूलों में से मात्र 65 स्कूलों ने ही विद्युतीकरण कार्य शुरू किया है। बाकी के 80 प्राथमिक और मध्य विद्यालय में अब तक विद्युतीकरण का कार्य शुरू ही नहीं किया गया, जिससे 80 स्कूल के प्रधान अध्यापकों का वेतन रोक दिया गया है।
LLB में आज से होगा नामांकन। जी हाँ, पटना विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में LLB में नामांकन के लिए फर्स्ट लिस्ट के अनुसार मंगलवार से छात्रों को बुलाया गया है। हालांकि किस छात्र को कब आना है इसकी कोई सूची जारी नहीं की गई है। ऐसे में एक साथ छात्रों की भीड़ उमड़ने की आशंका है। क्लास भी सोमवार से शुरू हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि प्राचार्य प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ का कहना है कि सभी छात्रों को एक साथ बुलाया गया है। कैटेगरी वाइज छात्रों को नहीं बुलाया जाता है। हर साल इसी प्रकार नामांकन होता है। ऊपर से मेरिट लिस्ट व रिजर्वेशन का ध्यान में रखते हुए नामांकन प्रक्रिया की जाएगी। 5 से 12 जनवरी तक फर्स्ट लिस्ट के अनुसार नामांकन होंगे। 7 जनवरी को जारी होगा जेई एडवांस की तारीख। जी हाँ, जेई एडवांस की घोषणा 7 जनवरी को कर दी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जेई एडवांस की तिथि जारी करेंगे। गौरतलब है कि इस बार से इंजीनियरिंग यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेने इच्छुक स्टूडेंट को 4 बार जेई मेन देने का मौका मिलेगा। फरवरी से लेकर मई तक हर महीने जेई मेन का आयोजन किया जाएगा। स्टूडेंट इनमें से किसी 1, 2 या 3 में फिर 4 सेशन में शामिल हो सकते हैं। जिस सेशन में बेस्ट स्कोर होगा उसके आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इनमें से टॉप 1.5 लाख स्टूडेंट जेई एडवांस के लिए पात्र होंगे। राज्य में एथेनॉल उत्पादन की काफी संभावनाएं, मिलेगी रोजगार, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहले कार्यालय में ही राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उस समय वह स्वीकार नहीं किया गया। राज्य में एथेनॉल की काफी संभावनाएं हैं। इसके उत्पादन में गन्ना को प्राथमिकता में रखते हुए कार्य करें, इससे गन्ना उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही मक्को से भी एथेनॉल उत्पादन के लिए काम करें। कृषि अवशेष भी एथेनॉल उत्पादन के लिए आकलन कर उस पर कार्य करें। मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद समकक्षा में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एथेनॉल उत्पादन बिहार का ही आइडिया है। सीएम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब इस पर कार्य किया जा रहा है। बड़ी खबर, बिहार में अब बच्चे प्राइमरी से ही पढ़ेंगे खेती किसानी। परिषद की बैठक में लगेगी अंतिम मोहर। इंटरमीडिएट के बाद अब प्राइमरी कक्षाओं में भी कृषि की पढ़ाई कराने का विचार हो रहा है। छोटी कक्षाओं के बच्चों के हिसाब से पाठ्यक्रम का प्रारूप कैसा हो इसकी तैयारी कृषि शिक्षा परिषद कर रही है। परिषद की आगामी बैठक में मसौदे पर चर्चा होगी। कृषि के प्रति रुझान अधिक हो इसके लिए कृषि विज्ञान के छात्रों को आगे की पढ़ाई में आरक्षित देने पर भी विचार किया जा रहा है। दशकों पहले बिहार कृषि परिषद का गठन किया गया था। इसका मकसद कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना था, ताकि परंपरागत खेती की जगह वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने वाले किसान बढ़े। बिहार में अब भिखारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग, मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। जी हां, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अब राज्य के सभी DM की निगरानी में भिखारियों को रेस्क्यू किया जाएगा, ताकि उन्हें कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जा सके। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी DM को दिशा निर्देश जारी किया है। साथ ही भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए जितने भिखारियों को रेस्क्यू किया जाएगा उनका डाटाबेस बनाकर भी विभाग को देना होगा, और सभी को तुरंत आधार से जोड़ने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। विभागीय मंत्री अशोक चौधरी ने पटना को मार्च 2021 तक भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने का लक्ष्य तैयार किया गया है। सप्ताह में 2 दिन बंद रहेगा कोइलवर पुल का छोटा लेन, पटना जाने के लिए चालू रहेगा नया पुल। सोन नद पर स्थित अब्दुल बारी रोड से रेल पुल पर मरम्मत कार्य के लिए इसके उत्तरी लेन को 5 जनवरी से 2 फरवरी तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को 10 घंटे के लिए बंद रहेगा। 5 जनवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मरम्मत कार्य चलने से इस लेन पर वाहनों का परिचालन नहीं होगा। हालांकि इस दौरान बड़े लेन से पटना से आरा की ओर वन वे कर यातायात बहाल रहेगा। वहीं पटना जाने के लिए नया पुल चालू रहेगा।